अगर स्पीड का फ्लक्चुएशन बोल रहा है तो सिंपल सा है, डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का डिवाइड बाय मीन से। अगर एनर्जी का बोल रहा है तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइड बाय मीन से, ठीक है। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 9, जो यूपीआई विनल का सोल्यूशन सीरीज में स्टार्ट किया हूँ। उसका पार्ट नंबर 128 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, जिसे मैंने आपको जो लास्ट ईयर पेपर में सवाल आए थे उसमें जो थ्योरी छिपी हुई थी उसे आपको मैं क्या क्या सिखा सकता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पार्ट 1 टू पार्ट 8 अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे उससे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे पेपर में फ्लाई व्हील से सवाल आए थे, चाहे वो थ्योरेटिकल सवाल हो चाहे वो न्यूमेरिकल सवाल हो, उसको हम आज पूरा फ्लाई व्हील के साथ देखेंगे। फ्लाई व्हील का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा फ्लाई व्हील क्या होता है, उससे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उस अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आप न्यूमेरिकल से ही थ्योरी सीखते हैं, मतलब हमारा माइंड ऐसा काम करता है ना कि अगर हम थ्योरी से कोई चीज़ सीखने जाएंगे तो उतना उसकी पावर उतनी अच्छी नहीं होती है कैच करने की। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल से थ्योरी सीखते हैं या क्वेश्चन से थ्योरी सीखते हैं, जिस तरह मैं अपने यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन से थ्योरी आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो इस तरह आपको अच्छे से याद रहेगा कि इस थ्योरी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 9 विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाई व्हील। ये अपना थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्लाई व्हील, जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे हमारे 2016 के पेपर में यूपीआई विनल के। इससे 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 2 थ्योरी था और 3 न्यूमेरिकल था। इन तीनों को हम देखेंगे आज, इन और एक न्यूमेरिकल आपको मैं अच्छा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि फ्लाई व्हील क्या होता है और फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मशीन जो हमारी होती है उसमें बड़े से व्हील लगा होता है, रिम टाइप का व्हील लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। तो बेसिकली फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आखिर होता क्या है और इसके इसमें क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, CS, CE, सब हम सीखेंगे आगे। तो पहले हम देखते हैं फ्लाई व्हील क्या होता है, ठीक है। तो चल, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ पहले, और आपको जो जैसा मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, 4 टू 5 आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ अपने हर एक वीडियो में, और कुछ लोग उसका आंसर भी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब सीरियसली हैं अपने स्टडी को लेके। अगर आप उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर आप इस 5 मिनट को सेव करके कोई और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपकी लाइफ में है, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपकी लाइफ में कोई है जिसको आप इस मेरे वीडियो से 5 मिनट सेव करके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यूपीआई विनल का एग्जाम निकालना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आप उसका आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप एक बार आंसर देंगे तो आपके माइंड में वो जब आप आंसर टाइप करेंगे तो आपके माइंड में उस सवाल का आंसर कहीं ना कहीं आपके स्पेस हो जाएगा, आपके माइंड में उस आंसर का स्पेस एक बन जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन देखा है और आपने उसका जवाब दिया है। अगर आपको फिर भी आंसर अच्छे से आता है आप छोड़ते हैं, छोड़िए जाने दो क्या है तुमको आता है, लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। और जब ये फ्लाई व्हील का चैप्टर मैं आपको सिखा दूंगा पूरा, इसके इससे जो मैं न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, तो उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, वो भी हमारे 4 टू 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको जो इसका आंसर देना है, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा उसको आपको देना है H1, H1 का ऑप्शन नंबर जो भी सही होगा ABCD, H2 का जो भी सही होगा उसका, और जो इस वीडियो के एंड में जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आपको देना है J1 करके, J1 ABCD जो सही होगा उसका, और J2 ABCD जो जो सही होगा उसका, ठीक है। और आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिए, आप वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, और जो आपने लास्ट में दिया था उससे मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लेकिन मैं देखता हूँ कि सब लोग इस क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं, तो ईजी क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देता नहीं हूँ, क्योंकि JEE में जो हमारा क्वेश्चन का लेवल होता है, जो मैं आपको होमवर्क या JEE का क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं उठाकर आपको नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी के आंसर दीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा जो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पार्ट 1 टू 8 जाके आप देखिए, पार्ट 1 टू 8 जाके आप देखिए। आप अगर JEE की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, SSC JEE, UPI, UNL JEE,
यूपी ट्रिपल एस सी जी कोई भी जेक तैयारी कर दें भाई, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, क्वेश्चन का लेवल तो वही रहेगा, चाहे आप इस जेक की तैयारी कर दें चाहे उस जेक की तैयारी कर दें। जो आपको मैं क्वेश्चन से थ्योरी सिखा रहा हूँ वो भी तो वही सेम ही रहने वाली है, टॉम का फ्लाई व्हील सेम ही रहने वाला है, टॉम का क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, फ्लूड मैकेनिक्स में बंद नॉलेज थ्योरम वही रहने वाला है, चाहे इस वीडियो से सीखो चाहे कोई और वीडियो से सीखो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेक की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपके लाइफ में बहुत ही हेल्प करेगा, नॉलेज को बहुत ही गेन करेगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, द एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसका डिज़ाइन किस प्रिंसिपल बेस होता है, बर्नौली प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मास, ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। ये सब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पूरा बर्नौलीज थ्योरम। और जो मैं था मैं इसमें क्या करता हूँ, उस समय जो मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखा रहा हूँ तो उससे जो थ्योरी निकल के आती है उसका मैं एक अलग वो करके उसमें अपलोड कर देता, ताकि अगर आपको जैसे कुछ थ्योरी सीखना हो, कोई पार्ट सीखना हो, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को देख के पूरा एक वो सीख लीजिए, एक थ्योरी सीख लीजिए, आपको पूरा इसमें ना आना पड़े डिटेल में, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको मैं कट करके एक अलग से वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, आप ही लोगों के लिए करता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड एट एनी गिवन पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज कॉन्स्टेंट। पहला है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा बर्नौली इक्वेशन, तीसरा आइलर्स इक्वेशन, फोर्थ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, विच गियर ट्रेन इज यूज फॉर हाईअर वेलोसिटी रेशियो इन ए स्मॉल स्पेस, मतलब स्मॉल स्पेस में कौन से गियर का इस्तेमाल करते हैं हम हाईअर वेलोसिटी रेशियो अचीव करने के लिए, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवोल्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। आपके चार क्वेश्चन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द गियर यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इन टू ट्रांसलेटिंग मोशन इज, कौन सा गियर रोटरी मोशन को ट्रांसलेटिंग मोशन में चेंज करता है, वॉम एंड व्हील, क्राउन गियर, बैक एंड पिनियन, स्पाइरल बेवल गियर। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे आशा भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी कि आप इन पांचों होमवर्क क्वेश्चन के जवाब मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका जवाब आपको देना है ऐसे H1, H2, H3, H4 और H5, जो भी आपको इसका ऑप्शन सही लगता हो वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैं फ्लाई व्हील का वीडियो आपको मैं पूरा एंड हो जाएगा तो एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसका आपको देना है J1 करके, J1, J2, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लाई व्हील क्या होता है, ठीक है। देखो जब हमारा कोई भी मशीन होता है, हैवियर मशीन होता है, अगर उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स हैं तो उस रोटेटिंग पार्ट्स से जो हम आउटपुट ले रहे हैं उस आउटपुट में कोई फ्लक्चुएशन ना आने पाए, मतलब जो स्पीड उसमें चल रही है किसी भी ओमेगा आरपीएम से वो हमारा पार्ट चल रहा है तो उसमें कोई भी स्पीड में फ्लक्चुएशन ना आने पाए, उस फ्लक्चुएशन को ही मिनिमाइज करने के लिए हम फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लाई व्हील क्या करता है, जो एक्सेस एनर्जी हम देते हैं मशीन में उसको वो स्टोर कर लेता है, और जब ऐसा समय आता है कि वो एनर्जी रिड्यूस होने लगती है, मशीन में जो एनर्जी आउटपुट एनर्जी रिड्यूस होने लगती है, तो फ्लाई व्हील उस जो स्टोर्ड एनर्जी अपने अंदर रखा है फ्लाई व्हील उसको रिलीज कर देता है, जिससे कि हमारा मशीन का स्मूथ रनिंग मेंटेन रहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का एक सिंपल सा डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, आप डिफिनीशन से ही एक क्वेश्चन लगा लेंगे, यूपीआई विनल का एक क्वेश्चन आप डिफिनीशन से ही लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या होता है देखो, तो फ्लाई व्हील का एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपको डिफिनेशन देने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील का एक छोटा सा डिफिनेशन देता हूं मैं, फ्लाई व्हील इज यूज्ड टू रेगुलेट, रेगुलेट करने के लिए क्या क्या, टू रेगुलेट द स्पीड, टू रेगुलेट द स्पीड बाई रिलीजिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी एंड रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अबाउट मीन स्पीड, ठीक है। तो ये है फ्लाई व्हील के हमारे सिंपल डिफिनेशन, क्या बोलता है कि फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं हम रेगुलेट द स्पीड बाई रिलीजिंग एंड स्टोरिंग द एनर्जी, रिलीजिंग एंड स्टोरिंग द एनर्जी, मतलब फ्लाई व्हील एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर देता है, और जब हम उस फ्लाई व्हील से एनर्जी चाहिए होती है, जब हमारे मशीन में एनर्जी का डिक्रीज होने लगता है तो फ्लाई व्हील अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक, क्यों, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अबाउट मीन स्पीड, ठीक है। यही होती है डिफिनेशन हमारी फ्लाई व्हील की।
ठीक, फ्लाईव्हील हम देख लिए, फ्लाईव्हील क्या होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा एक यूपी आवेदन में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील इज, फ्लाई व्हील का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। आपकी स्क्रीन में चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर वन क्या बोलता है, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ रोशन, नहीं, टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रैंक, एनर्जी तो एब्जॉर्ब करता है बट इसको रिलीज भी करता है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ क्या बोलता है, टू लिमिट द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल, वही इसका डिफिनीशन ही है फ्लाई व्हील का, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन। तो इसका, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया और आपने फ्लाई व्हील सीख लिया। अब फ्लाई व्हील में बढ़ते हैं हम आगे, और फ्लाई व्हील के जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं उससे हम सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या आया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा टू आया था, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन ए फ्लाई व्हील इज नॉट इक्वल टू, मतलब चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है कौन सा, इसमें इस ऑप्शन में कौन सा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो जैसे हम फॉर्मूलेज को देख लेंगे तो हमारा इजिली फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा इससे, ठीक है, तो फ्लाई व्हील से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि फ्लाई व्हील से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, देखो पहले जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और सेकंड जो होती है हमारी वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखो ट्रांसलेशनल फॉर्मूला क्या होगा, सबको इजी पता होगा, ये बस मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ट्रांसलेशनल में क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सबको आता है, अगर नहीं आता तो अभी सीख लो। ठीक है, ट्रांसलेशनल में होता है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये ओमेगा और वी क्या होता है, देखो ये वी हमारा होता है लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा होता है लीनियर वेलोसिटी, बट यहाँ पे रोटेशनल में ओमेगा हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ तो सेम है, यहाँ पे एम है, ये है मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है ये उसका मास है, बट रोटेशनल वाले में ये उसका होता है इनर्शिया। इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा मास ऑफ द बॉडी और ये हमारा होता है रेडियस ऑफ द जायरेशन। ये आपको क्वेश्चन में देगा, के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये हमारा होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन। ठीक, ये सबसे सिंपल मैंने आपको सिखा दिया, पहली बात एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं आगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फ्लाई व्हील के वो अब मेन आते हैं फ्लाई व्हील पे। ठीक है, हटा रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, आप लोग एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को मैं, प्लीज़ डाउट मत रखिए कि क्या मैं आपको बीच में छोड़ दूंगा। कुछ लोग भाई कन्फ्यूज है कि मैं बीच में आप लोगों को छोड़ दूंगा, ऐसा मत सोचो, अगर स्टार्ट कराया तो एंड तक लेके जाऊंगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अगर स्टार्ट मैंने करा दिया तो आपको एंड तक लेके ही जाऊंगा, इस पेपर को पूरा सॉल्व करा के ही लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो, और ये बता दूं कि सिलोलिज्म का पार्ट टू मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, अभी उसको मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ क्योंकि थोड़ा और पार्ट उसमें आएगा, तो एक बार सब सारे वीडियोज में सिलोलिज्म का सारे वीडियोज पब्लिक कर दूंगा, जिससे कि आप एक नोट्स बना लीजिएगा, पूरा आपका स्टार्टिंग टू एंड तक सिलोलिज्म के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जो हमारे सीजीएल लेवल के सवाल आते हैं, सीजीएल लेवल का, हमको उस हाई लेवल तक नहीं जाना है। ठीक है, अपने को जो जे अपने को उतना कवर करना है जितना हमारे उसका है काम का है, तो जूनियर इंजीनियर में जिस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं खाली उसी लेवल तक मैं जाऊंगा आपको लेकर सिलोलिज्म में। क्या करोगे सीजीएल लेवल सवाल का, क्या करोगे तुम सिलोलिज्म का? ठीक है, तो बिल्कुल मत डरना। देखो आधा यूट्यूब पे है रीजनिंग के, आधा यूट्यूब पे सब्जेक्ट्स हैं, बट यार एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक वे में चलना होता है, वो जितना हमको चाहिए सिर्फ उतना ही लो, ज़्यादा दिमाग में मत भरो। ठीक है, उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा सिलोलिज्म का, उतना ही पार्ट में आपको सिखाऊंगा। ठीक, इसलिए रीजनिंग का वो टॉपिक आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ फ्लाई व्हील, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील में कुछ इंपॉर्टेंट
पैरामीटर्स हैं। चलो एक ही करके इसको देखते हैं। पहला हमारा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। देखो मैक्सिमम स्पीड आपको क्या देगा, स्पीड हमारी हो सकती है क्या ओमेगा भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग अपने लिए क्या, मैं इसको लेकर चलते हैं, इसको वन मान चलते हैं, मतलब या तो ओमेगा वन या तो एन वन या तो ओमेगा मैक्सिमम, ये तो इजी है, और या तो एन मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा होता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, सेकेंड क्या होगा फिर, मिनिमम स्पीड हो जाएगा, मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, इसमें इसको हम टू मान चलते हैं, टू इसको हम देते हैं, इसको हम नोटेशन टू देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टू या एन टू या ओमेगा मिनिमम या एन मिनिमम। देखो एग्जाम में आपको देगा मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, तो हमको यूनिट से पकड़ना है कि वो ओमेगा दिया हुआ है कि एन दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो आरपीएम में देता है, आरपीएम में देता है, इसका मतलब वो हमको एन दिया हुआ है, और अगर हमको वो रेडियन पर सेकंड में देता है, रेडियन पर सेकंड में देता है, तो उसका मतलब वो हमको ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखना, आपको वो ये नहीं देगा कि आपको कि आरपीएम इतना दिया हुआ, आपको बस दे देगा 210 स्पीड, 210 आरपीएम। तो इससे हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा एन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। चलो अब देखो, अब ये हो गया मिनिमम स्पीड, हो गया मैक्सिमम स्पीड, हो गया ना। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस इन दोनों का, थर्ड हमारा होगा, इन दोनों को डिफरेंस को बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, यही हमारी होती है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा मैक्सिमम माइनस में ओमेगा मिनिमम। ठीक है, ये तीन समझ में आ गया। अब देखो ये स्पीड का कॉन्सेप्ट था, अब एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक, तो फोर्थ हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी। देखो मैक्सिमम एनर्जी शॉर्ट में इसको लिखता हूँ मैं, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी शॉर्ट में लिख चलता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हाफ हाफ आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। ये हमारा हो गया हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एनर्जी, और मिनिमम क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ये हमारा हो गया मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारा आएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जब यहाँ पे हमको मिला मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको मिलेगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आएगा हमको हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। ये हमारा होगा डेल्टा ई मैक्स, ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा ई मैक्स का। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा ई मैक्स इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिनिमम। ठीक है, ये हमने छह चीज सीखा, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, पहला था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और दूसरा था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इस वीडियो में आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कॉफिशियंट, उसको बोलते हैं सी एस और सी, और कभी कभी के आपको दे देगा वो, तो हमको ये याद रखना है कि वो हमारा कॉफिशियंट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग डिनोशन होता है कि किससे हम किसको डिनोट करते हैं। ठीक, देखो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी एस और सी ई, तो उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं मीन स्पीड क्या होता है। सब देखो ए प्लस बी डिवाइड बाई टू होता है ना सी, तो सी क्या होता है, ए प्लस बी का मीन होता है, उससे ज़्यादा बोला गया मीन स्पीड, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू हो गया मीन स्पीड। ठीक है, लेकिन आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि मीन स्पीड क्या होता है। तो एक होता है हमारा मीन स्पीड, मीन स्पीड ये हमारा होता है ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, इसको हम इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। अगर आपको सिंपल ओमेगा दे दिया है तो इसका मतलब है वो हमको मीन स्पीड दिया है। ठीक है, ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू मीन स्पीड। ठीक, अब देखो जो मैं आपको सिखाने के लिए आया था कि कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस और सी ई। चलो देखो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं हम,
पहले हम सीखेंगे CS के बारे में, CS, और दूसरा है हमारा CE, ठीक है। ये होता है हमारा कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, को अपने को याद रखना है, हमेशा ये हमारे टिप पे होना चाहिए, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। और इधर हम देखेंगे कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो गया हमारा एनर्जी, ये हो गया हमारा स्पीड। अब देखो कॉफिशियंट का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमको याद रखना है, ठीक है। देखो ये होगा हमारा मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड, या मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाई मीन स्पीड। मीन स्पीड मतलब इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट अभी इसका फॉर्मूला दिखाया था, क्या होता है फ्लक्चुएशन स्पीड का, ये होता है ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई ओमेगा मीन। मीन क्या होता है मैंने बताया था आपको, ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, ये होता है हमारा मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है CS का, CS का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। अब आते हैं CE का, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे में ये हो जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन था, यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन एनर्जी, मीन एनर्जी मतलब CE हो जाएगा हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मीन। समझ में आ गया फ्रेंड्स, कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये समझ में आ गया ना। सिंपल फॉर्मूला हम लोग याद रखना है, अगर स्पीड का फ्लक्चुएशन बोल रहा है तो सिंपल सा है, डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का डिवाइड बाय मीन से। अगर एनर्जी का बोल रहा है तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइड बाय मीन से, ठीक है। ये अपने को CS और CE याद रखना है, ये एग्जाम में कभी कभी आपको K के टाइम पर दे देगा, KS या KE या नॉर्मल K लिख देगा, ठीक है। तो अपने को इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे और देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा ई मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड CS, जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, जो हम जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आया था, ये उसका इससे हम उसको डिराइव करेंगे अब, ठीक, कि उसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा ई मैक्स एंड CS। देखो इसमें रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे आया था UPI का, उसमें इसी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब सीखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। देखो पहला मैंने आपको सिखाया ये डेल्टा ई मैक्स का फॉर्मूला मैंने बताया ही आपको क्या होता है, ये होता है हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। देखो तो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब देखो इसमें से हम हाफ आई को लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा हमको, जब कॉमन निकाल लेंगे तो हाफ और आई को कॉमन निकाल लिया हमने यहां से, तो हमको मिला ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सबसे इजी है, सबको आता होगा, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक, इसी में इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको ब्रेक कर देंगे हम, ठीक। चलो ब्रेक करते हैं, तो हाफ आई को सेम टू सेम लिख लेंगे, हाफ आई को लिख लिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a a प्लस बी ओमेगा मैक्स प्लस मिनिमम और a माइनस बी ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो किसी चीज से अगर हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी से हम एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे, तो एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बैलेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ओमेगा मीन से मल्टीप्लाई और ओमेगा मीन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओमेगा मीन से, ओमेगा मीन और यहाँ पे हमने ओमेगा मीन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि ओमेगा मीन क्या, ये ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइड बाय टू क्या होता है,
और ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ये क्या होता है, देखो इस वीडियो अगर इसमें इस इक्वेशन को आगे ले चलते हैं, अगर हम देखो यहां से इस इक्वेशन को ब्रेक कर लेते हैं, देखो इतना समय आ गया ना, इतने कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर हम यहां से ये ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम इसको इसको एक कर लेते हैं, ये यहां से इसको एक कर लिया हमने, तो मैंने अभी पिछले जस्ट आपको बताया था कि मैक्सिमम ये हमारा फ्लक्चुएशन होता है स्पीड का डिवाइड बाय मीन स्पीड, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, नहीं स्पीड है, स्पीड स्पीड ये हमारा है सी एस, ठीक है। तो अब यहां पे इसको लिख देंगे हम, क्या आएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा हाफ आई, ये क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम, ठीक है, इसको हमने लिख दिया सी एस, ये हो गया हमारा सी एस और ये हमारा ओमेगा मीन। इसमें कुछ कोई दिक्कत है क्या, मैंने जस्ट अभी आपको नहीं समझ में आया, ये अगर जस्ट वीडियो को वो बैक कर दिए और देखिए मैंने आपको बताया था कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है और कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, इस टू को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, इस टू को यहाँ से हटा दिया डिवाइड से और जाके यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड, जल्दी बोलिए अपने आप में, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीन स्पीड, बता देना c इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाय 2, मतलब c होता है हमारा मीन, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये होती है हमारी मीन स्पीड, ओमेगा से इसको हम लिखते हैं, ठीक, तो ये हमारा हो गया मीन स्पीड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीन स्पीड, मतलब इसको यहां से हटा के इसको हम ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आई ओमेगा मीन सी एस और ओमेगा मीन, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आई ओमेगा मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी एस, या तो इसको लिख देंगे आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, डेल्टा ई मैक्स का, डेल्टा ई मैक्स ये हमारा फॉर्मूला यहां से आ गया, क्या हो गया आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। अब देखो यहाँ को समझ आ गया ना, रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा ई मैक्स और सी एस, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन में फिर से आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर्मूला नहीं है, देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अगर ऑप्शन नंबर सी हमको हमेशा याद रखना है, मतलब ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है कि डेल्टा ई मैक्स इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। अब जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वो बोला है आई ओमेगा स्क्वायर के, मतलब वो सी एस को बोल रहा है के, लेकिन ऑप्शन डी देखिए आपको बोल रहा है आई ओमेगा स्क्वायर के बाई टू, भाई जब हमको फॉर्मूला याद ही हो गया आई ओमेगा स्क्वायर के या आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, तो बाई टू हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो इसीलिए नॉट इक्वल, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कि के बाई टू नहीं होता है हमारे फॉर्मूले में, ठीक, इतना समझ आ गया आपको, इजी समझ आ गया ना। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक फ्लाई व्हील का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल से आपको एक फ्लाई व्हील में जितने फॉर्मूले इस्तेमाल हुए थे, जितने फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। तो एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 5200 केजी, मतलब 5200 केजी का फ्लाई व्हील है, ठीक है, मतलब मास कितना दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है 5200 केजी, ये हमको दिया हुआ है मास ऑफ फ्लाई व्हील, ठीक, और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 1.8 मीटर, मतलब k की वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.8 मीटर, ठीक है। फिर बोलता है व्हेन द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज 1008 न्यूटन मीटर, मतलब डेल्टा डेल्टा ही बोलता है, मतलब डिफरेंस बोलता है आपको, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू जब होगी 1008 मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर, तो द मीन स्पीड ऑफ द इंजन इज 180 आरपीएम, मतलब ओमेगा मीन या ओमेगा हमको दिया हुआ है 180 आरपीएम, देखो भाई मैं बोला ना ये आरपीएम दिया हुआ, मतलब ये हमको एन दिया हुआ है ना कि ओमेगा, ये हमको एन दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको, इसी से देखना है कि हमको ओमेगा दिया हुआ है एन दिया हुआ है, ठीक है, चलो ये हमको इतना दे दिया। अब क्या बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, मतलब हमको एन मैक्स निकालना है, एन वन
या एन मैक्स, इसी को ये हमको निकालना है। तो आप लोगों को अगर इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको अगर आ रहा है तो इसका आंसर तुरंत बता दीजिए, सॉल्व करके वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने सवाल लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जिसको नहीं आया वो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो अब हमको ये इसका फॉर्मूला अपने को याद है, डेल्टा आई का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं याद है? क्या था डेल्टा आई फॉर्मूला? क्या था? आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। पहले वो था आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, तो इसका फॉर्मूला भी था हमारा आई ओमेगा स्क्वायर और सी एस, ठीक है। पहले हम इसको छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं कि ये मीन स्पीड को ओमेगा में करते हैं कन्वर्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। तो 2 पाई एन कितना दिया हुआ? 180 दिया हुआ है, 180 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करेंगे जब हम 2 पाई 180 बाई 60 को, तो हमको मिलेगा 18.85 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमको दिया हुआ, ये हमारा आ गया मीन स्पीड। अब मीन स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वो क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2। ओमेगा 1 हमारा होता है मैक्सिमम, ओमेगा 2 हमारा होता है मिनिमम, ठीक है। ये होगा हमारा जब इसको यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 18.85, इसको यहाँ रख देंगे 18.85 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मिल जाएगा 37.71 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये मिल गया हमको, ये मिल गया। अब देखो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हमको हमको अचीव करना है ओमेगा 1। ओमेगा 1 पा जाएंगे हम तो एन 1 इजली पा जाएंगे, ठीक। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा आई का फॉर्मूला ये था आई ओमेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। ये वहां फॉर्मूला था डेल्टा आई का। अब देखो अब वैल्यू सब पुट करेंगे यहाँ पे, हम वैल्यू सब पुट कर देंगे इसकी, ठीक है। वैल्यू क्या पुट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे 1008 00 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या थी? एम के स्क्वायर, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था आई की वैल्यू। ओमेगा मीन हमको दिया हुआ है 18.85 18.85, और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक। इसमें किसी कोई दिक्कत? ये सारी वैल्यू हमको दी हुई है। ये एम एम हमको दिया हुआ है 5200 kg, और के हमको दिया हुआ है 1.8। इस एम और के को यहाँ रखना है हमको, ठीक है। तो 1008 00 इक्वल टू एम हमको दिया हुआ है 1.8 1.8, के हमको दिया हुआ है सॉरी 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 के हमको दिया हुआ है 1.8, तो इसका स्क्वायर कर दिया, एम हमको दिया हुआ 5200, तो ये हो गया हमारा 5200, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18.85 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी हमको ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 0.3174 रेडियन पर सेकेंड। ये हमको मिल गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब देखो ये हमारे पास इजली था इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से था, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर हम इस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को सॉल्व कर लेंगे तो इजिली हमारी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को कुछ समझ में नहीं आया? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए आपको कहाँ कोई दिक्कत है, ताकि मैं उसका अगले वीडियो में आपको सोल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं इस चीज को हटाता हूँ, अब आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो हटाता हूँ मैं इसको। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और से और लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा मेरे चैनल को, ठीक है। चलो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जिसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आसान है। देखो दिखा देता हूँ मैं आपको सॉल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। ये 37.71 इसको लिया हमने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 0.3714 0.3174। सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मिलेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 38.02, तो ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 19.01 रेडियन पर सेकंड। ये हमारा आ गया मैक्सिमम स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछा है आरपीएम में, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फिर आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए हमसे स्पीड किसने पूछ रहा है? आरपीएम में पूछ रहा है। देखिए
क्वेश्चन में ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब आरपीएम में दिया हुआ है, तो ये हमारा स्पीड आया ओमेगा में, तो ये ओमेगा वन हमारा मैक्सिमम स्पीड था, इसको हम आरपीएम में चेंज कर लेंगे। मतलब क्या फॉर्मूला क्या लगा देंगे इसमें हम, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, तो ओमेगा इक्वल टू कर देंगे 19.01, 2 पाई एन की वैल्यू हमको निकालनी है और अपॉन 60, जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 181.45 आरपीएम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 181.5 आरपीएम। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको, आई होप आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है इन ए फ्लाई व्हील द वैल्यू ऑफ सेल्फ स्ट्रेस इज 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसमें हम सीखेंगे सेल्फ स्ट्रेस, सेल्फ स्ट्रेस फ्लाई व्हील में सेल्फ स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, और बोलता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 10,000 केजी पर मीटर क्यूब, द मैक्सिमम पेरिफेरल वेलोसिटी विल बी। देखो अब फ्लाई व्हील का इसमें सीखेंगे हम कॉन्सेप्ट हुप स्ट्रेस का, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का। फ्लाई व्हील अगर चल रही है, कोई फ्लाई व्हील हमारी है, ये रिम टाइप फ्लाई व्हील हो गई, फिर से बनाता हूँ पीयर में, ये फ्लाई व्हील हमारी है। ठीक है, ये चल रही है फ्लाई व्हील हमारी, ये ऐसे घूम रही है वेलोसिटी भी ओमेगा वेलोसिटी से। तो इसमें हम कोई एक पार्ट लेते हैं, हम इसमें स्मॉल पोर्शन काट लेते हैं जिसपे हम एनालिसिस करेंगे अपना। ठीक, और इसका साइड भी देखेंगे हम अगर, तो साइड भी हमको ऐसे दिखाई देगा जिसमें हमको फ्लाई व्हील की विड्थ दिखाई देगी, बी फ्लाई व्हील की हमको विड्थ दिखाई देगी, और इसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील का थिकनेस टी। ठीक है, और ये हमारा जो इसका सेंटर से लाइन जाएगी, सेंटर से इसको हम बोलेंगे मीन रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील कैपिटल आर। ठीक है, तो इसमें जो सेल्फ स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है उसका एक पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है, उसमें हमको नहीं जाना है, हमको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन जो आया था ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर जाएंगे तो हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे अपने यूपीआई में, क्योंकि अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लगा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा आप इसकी वैल्यू पुट करना है और आंसर पा जाना है। ठीक है, तो देखते हैं सेल्फ स्ट्रेस से हम फॉर्मूला क्या प्राप्त करेंगे इसमें। देखो टी हो गई हमारी फ्लाई व्हील की थिकनेस, टी हमारी हो गई थिकनेस ऑफ रिम। ठीक है, अब बी हमारा हो गया विड्थ ऑफ रिम, बी हमारा हो गया डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ ऑफ रिम। ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी होगी फ्लाई व्हील की, तो फ्लाई व्हील की डेंसिटी जो हमको एग्जाम में दिया है, फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, ये आर हमारा हो गया मीन रेडियस फ्लाई व्हील का, तो ये हो गया हमारा मीन रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक, ओमेगा ये हमारी हो गई एंगुलर स्पीड, ये हो गया हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, उसके बाद वी हमारा हो गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होगा सिग्मा टी, मतलब टेंसाइल या हुप स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले का बहुत लंबा डेरिवेशन है, हमको जो है डेरिवेशन नहीं जाना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम फॉर्मूला क्या याद रखना है इसका, फॉर्मूला होता है सेल्फ स्ट्रेस से टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और यूनिट्स भी हमको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले में यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है वो कौन कौन सी हमारी एसआई यूनिट है। देखो वी वाला होगा हमारा होगा मीटर पर सेकेंड में, एक वेलोसिटी डेंसिटी वाला होगा केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक, ये हमारा जो ये सिग्मा ये हमारा स्ट्रेस होगा वो होगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आपके सामने फॉर्मूला आ गया है, अब आप वीडियो को पॉज कर दिए, क्वेश्चन नंबर थ्री को फिर से पढ़िए और इस सवाल को आप अपने से लगाइए, देखिए आप लगा लेते हैं कि नहीं सवाल, अब ठीक है लगाइए अपने से इस सवाल को लगाइए, तब तक मैं बोर्ड को साफ करके सवाल आपको लगा दिखाता हूँ। ठीक, कौन कौन सवाल लगा लिए भाई बता दो जल्दी से, कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल आपने लगा लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा था कि सिग्मा की वैल्यू हमने दिया हुआ है कितना 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और क्या दिया हुआ है हमको, मास दिया, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 10,000, 10,000 kg/m³। और हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी पूछता है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जस्ट उसी भी ये क्वेश्चन लग जाएगा, इजीली लग जाएगा क्वेश्चन ये। देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, सिग्मा इज इक्वल टू रो इनटू वी स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू दिया 25 MN दिया हुआ, ठीक है, 1 KN में होता है, 1 KN में होता है 1000 न्यूटन, 1 MN में होता है हमारा 10^6 N, और 1 GN हमारा होगा 10^9 N, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो 25 MN मतलब 25 × 10^6 इक्वल टू डेंसिटी हमको दिया हुआ 10,000, 10,000 × वेलोसिटी का स्क्वायर। तो चार्ज तो यहां से जो है, चार्ज यहां से हम काट देंगे, तो चार्ज जो यहां से गया और चार्ज जो यहां से गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 2 0, मतलब 25 × 100 इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां अंडर रूट लगा देंगे, तो इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहां से स्क्वायर हटाया हमने और यहां पे अंडर रूट लगा दिया, तो मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 50 m/s। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 50। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, सीधा अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इस सवाल को लगा ले जाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इफ द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएट्स बिटवीन 990 एंड 1010 आरपीएम इन ए साइकिल ऑपरेशन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज। चलो ये अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मालूम है, प्लीज वीडियो को पॉज कर दिए, अपने से इस सवाल को लगाइए, एक बार अपने से लगा लोगे तो इजीली सीख जाओगे कैसे इसे हमें लगाना है। तब तक मैं इस बोर्ड को साफ करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन ये हमारा है। चलो तो क्वेश्चन नंबर में 4 में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, बोलता है द स्पीड ऑफ, इफ द स्पीड ऑफ इंजन फ्लक्चुएट्स बिटवीन 990 एंड 1010 आरपीएम, मतलब मैक्सिमम स्पीड N1 से लेते हैं हम, वो हमको दिया हुआ है 1010 आरपीएम, और मिनिमम स्पीड N2 से लेते हैं हम, वो हमको दिया हुआ है 990 आरपीएम, ठीक। बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब हमको सीएस निकालना है, हमको सीएस निकालना है, सीएस निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, सीएस हमारा होता है मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन मतलब क्या था, डिफरेंस था N1 माइनस N2, ये डिफरेंस था, और मीन मतलब क्या था, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपको N1 N2 दिया, बस करना क्या, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपको इजीली आ जाएगा बिना कैलकुलेटर के। देखो क्या करना है, 1010 माइनस 990 डिवाइडेड बाय 1010 प्लस 990 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20/1000। लो इजीली आ गया बिना न्यूमेरिक, बिना कैलकुलेटर के 0.02, खत्म। फॉर्मूला याद था, थोड़ा सा फॉर्मूला था याद था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.02, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 110 रेडियन पर सेकंड टू 90 रेडियन पर सेकंड ड्यूरिंग साइकिल, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 20 Nm, द इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज। चलो अपने इस क्वेश्चन को लगाओ, आप लोग वीडियो पॉज कर दो, अपने से ट्राई करो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये उसी पे लगा हुआ है, ठीक है, अपने से ट्राई करो, चलो करो अपने से ट्राई। तो आप लोगों ने इसको लगा लिया, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिसने सॉल्व नहीं किया वो प्लीज देखिए स्क्रीन पे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखो इसका अप्रोच बहुत अच्छा है, मतलब एक हमको एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ओमेगा 1 हमको दे दिया है, मैक्सिमम दे दिया है 110 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा 2 हमको दे दिया हुआ है 90 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन दे दिया है हमको 200 Nm, और बोलता है आई निकालिए, मतलब इनर्शिया, इनर्शिया हमको निकालना है। देखो अब ध्यान से देखो फॉर्मूले को, आई में कैसे हम अचीव करेंगे आई, देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा का फॉर्मूला हमारा था आई ओमेगा स्क्वायर सी एस,
ठीक, देखो इसमें पुट करके देखते हैं क्या होता है। डेल्टा की वैल्यू 200, 200 रखा इक्वल टू आई, हमको निकालना ही है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मीन स्पीड था, तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू। ओमेगा ओमेगा टू हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देते हैं ओमेगा वन की वैल्यू 110 और ओमेगा टू की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई टू। ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर इंटू सी एस। देखो आई लो, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, हमको सी एस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम सी एस निकाल लेते हैं। सी एस निकाल लेते हैं, सी एस कैसे निकालेंगे इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 200 इक्वल टू आई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100, ये हमको मिल जाएगा 100 का स्क्वायर इनटू सीएस। ठीक है, इतना हो गया। अब सीएस निकाल लेंगे, अगर हमने सीएस निकाल के वैल्यू यहां पुट कर दी तो हमको आई इजीली मिल जाएगा। अब सीएस कैसे निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीएस का। सीएस फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड फ्लक्चुएशन होगा हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और मीन स्पीड क्या होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2। ठीक है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा 2 110 में से 90 गया, 110 में से 90 गया डिवाइड बाई 110 प्लस 90 बटे में 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 0.2, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ा हमको। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 200 इक्वल टू आई, हमको निकालना है इंटू 100 इंटू 100 इंटू 0.2। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, और ये आई ये हमारा 2 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इक्वल टू आई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा 0.1, ये हमारा होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा 0.1। देखा फ्रेंड्स, सिंपल सा हमको क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमको क्वेश्चन को टारगेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन फ्लाई व्हील जो आए थे वो इजीली सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम देखते हैं जो हम जो फ्लाई व्हील के कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा उसका कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, जिसका मतलब न्यूमेरिकल नहीं, कुछ आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो उसका जो अब जो क्वेश्चन देने वाला हूँ इसका आंसर आपको देना है J1 करके, J1 ABCD, J2 ABCD, J3 ABCD। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन केस ऑफ फ्लाई व्हील द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द, चार ऑप्शन है, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी। तो अगर आपको इसका आंसर याद हो प्लीज लिख दीजिए J1 ABCD जो भी आपको सही लग रहा हो। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द केस ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा द एक्सप्रेशन हाफ आई ओमेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी जैसे बताया था इसका ऑप्शन क्या होगा, बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में से कौन सा सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाई व्हील जनरली इंप्लॉयड, इसमें चार में से जनरली फ्लाई व्हील किसमें लगाते हैं हम, लेथ में, इलेक्ट्रिक मोटर में, पंचिंग मशीन में या गियर बॉक्स में। तो आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज तो इसको सर्च करने का ट्राई करिए। ठीक है, और नहीं आता है तो मुझसे आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए फ्लाई व्हील इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ABCD। आपको चार ऑप्शन दिया, टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम, एक्सेलरेशन क्रैंक एंगल डायग्राम, स्पीड स्पेस डायग्राम और स्पीड एनर्जी डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है आपको मैं देने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आपको ये अगर नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए फ्लाई व्हील इज 1 मीटर एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट एक्सीड 1% ऑफ द मीन स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील। इफ द मास ऑफ द फ्लाई व्हील इज 4000 kg एंड द इंजन डेवलप्स 150 kW एट 120 rpm, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिएगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझसे आप पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा या दिल से तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।